हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस अगुस्टा वेस्टलैंड स्कैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल मीडिया में बहुत रिपोर्ट्स चल रही हैं कि अगुस्टा वेस्टलैंड स्कैम हुआ है, जिसके अंदर क्रिश्चियन मिशेल अरेस्ट हुआ है, जो इंडिया आ चुका है। तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्या स्कैम हुआ था जिसके लिए इतना सारा मीडिया में हो हल्ला हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस स्कैम में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, राइट। तो उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस स्कैम के बारे में जान पाएँ और उनके कन्फ्यूजन्स दूर हो पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले से स्टार्ट करना चाहूँगा, मतलब आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाए जिससे। तो बात करते हैं इस कंपनी की, अगुस्टा वेस्टलैंड कंपनी की, जो कि एक इटालियन कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर्स बनाती है, राइट। तो हुआ ये कि ईयर 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने अपने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने जो एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इवेल्यूएशन किया। और इवेल्यूएशन में पता लगा कि जो एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, यानी कि हमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए उसके अंदर, ताकि हम प्रेजेंट डे के जो थ्रेट्स हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं मार्केट में, उनको कोप अप कर पाएँ और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसलिए उन्होंने 2002 में ये इनफैक्ट 1999 में एक इशू किया था, मतलब प्रपोजल इशू किया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग चॉपर्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं और उसके लिए हमें न्यू चॉपर्स के लिए डील चाहिए। इन द सेंस वी आर इनवाइटिंग बिडर्स। तो ईयर 2002 में क्या हुआ कि इन्होंने बिड्स इनवाइट करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर जो कंडीशंस थी, हु कैन बिड, उसके अंदर कंडीशंस थी, उसके अंदर दे रखा था कि हमें ऐसे चॉपर्स चाहिए जिनकी फ्लाइंग कैपेसिटी, एल्टीट्यूड कैपेसिटी इज 6000 मीटर्स और मोर। मतलब क्या है ये समझते हैं, हमें ऐसे चॉपर्स चाहिए जो आसमान में सी लेवल से 6000 मीटर्स एंड अबोव फ्लाई कर पाए। ऐसे स्पेसिफिकेशन थे जिसका हमें खरीदना था, जो चॉपर हमें खरीदने थे। तो हुआ ये कि इस स्पेसिफिकेशन को बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी ही सामने आई और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता था। पर हुआ क्या कि 2004 में जब गवर्नमेंट चेंज हो गई और जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आ गई, 2004 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आ गई, और फिर उस टाइम पर उन्होंने ये लिमिट चेंज कर दी। लिमिट चेंज करके उन्होंने किया 4500 मीटर्स। अब ये 4500 मीटर्स करने के पीछे का रीज़न क्या था वो जान लेते हैं। और एक और बात कि जब इन्होंने 4500 मीटर की लिमिट करी, तब इनके पास बीडर एक से बढ़कर तीन हो गए, यानी कि पहले सिर्फ एक कंपनी थी जो ये सर्विस ऑफर कर रही थी, अब तीन कंपनियां आ गई जो ये सर्विस ऑफर करने को रेडी थी। क्योंकि 4500 मीटर की कैपेसिटी जिनके पास थी, ऐसे कंपनीज दो ज़्यादा थी, ओके। तो अब ये लिमिट कम हुई तो इससे देश को क्या नुकसान हुआ ये समझते हैं। इंडिया में जब 2002 में ये इवेल्यूशन हुआ था, तब इंडिया के पास फ्लाइंग कैपेसिटी जो थी, अपने चॉपर्स की फ्लाइंग कैपेसिटी, वो थी अराउंड 2500 मीटर्स, यानी कि सी लेवल से 2500 मीटर्स अबव के एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर पा रहे थे। पर अब इवेल्यूशन जो नया किया था उसके अंदर ऐसा था कि हमें 6000 मीटर्स की हाइट मीन्स और एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने वाले हेलीकॉप्टर्स चाहिए, पर ये लिमिट 4500 कर दी गई, ओके। ये लिमिट क्यों 4500 कर दी गई, क्योंकि अगुस्टा वेस्टलैंड नाम की एक कंपनी थी जिसने क्रिश्चियन मिशेल को अप्रोच किया। इस कंपनी ने क्रिश्चियन को अप्रोच किया और बोला कि आप इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और डिसीजन मेकर्स को कुछ ब्राइबरी दीजिए और हमको ये डील दिलवाइए, राइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है। अगुस्टा वेस्टलैंड ने अपॉइंट किया क्रिश्चियन मिशेल को कि
जो कि एक यूके रेसिडेंट था, उसको बोला कि आप इंडियंस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, उनको आप ब्राइबरी दीजिए और हमारी डील अप्रूव करवाइए। तो क्योंकि अगस्टा वेस्टलैंड की हाइट 6000 मीटर्स नहीं थी, इसलिए लिमिट भी घटाई गई। और फिर जब लिमिट घट गई तो अगस्टा वेस्टलैंड ने इसमें बीट किया और इनको बीट दे भी दी गई। और उस जिसके अंदर इनको हाइट मिली 3000 मीटर की, मतलब जो एल्टीट्यूड मिला वो 3000 मीटर था, जो कि बिल्कुल यूजलेस था इंडिया के लिए, जब हम ऑलरेडी 2500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर चल पा रहे थे। और 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड वाले नए चॉपर्स मिल भी जाते तो कोई ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं था। प्लस जो पैसे हम दे रहे थे इसके लिए, उसके सामने ये तो ज़ीरो वैल्यू एडिशन था। इसके लिए हम दे रहे थे 3600 करोड़ INR इन ईयर 2006, 3600 करोड़ INR इन ईयर 2006 हम देने को रेडी थे, और जिसके लिए हमें मिल क्या रहा था, नो वैल्यू एडिशन, जस्ट 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने वाले हेलीकॉप्टर्स। ओके, तो जैसे ही ये डील फाइनल हुई, राइट, ये डील फाइनल क्यों हुई, क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल ने ये लिमिट घटवाई, ऑफिशियल्स को पैसे दिए, ब्राइब दी, जिसके अंदर एयरफोर्स चीफ के मार्शल SP त्यागी भी इन्वॉल्व थे। तो ये जिन्होंने नो ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, मतलब नो ग्राउंड्स ऑफ डिनाइल कर दिया, जिसके अंडर में 4500 मीटर्स के हेलीकॉप्टर भी अप्रूव हो गए, राइट। इस अप्रूवल के बाद 2012 में, मतलब ये अप्रूवल अराउंड हुआ 2010 के आसपास, और 2012 में ऑगस्टा वेस्टलैंड ने 3 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर भी कर लिए। ओके, जब ये हेलीकॉप्टर्स डिलीवर हुए, उसके पहले इंडिया उनको 1600 का पेमेंट कर चुका था, पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था, और 2000 करोड़ जो थे, 2000 करोड़ का जो थे उसकी बैंक गारंटी दे दी थी। ओके, तो हुआ ये कि जब अगस्टा वेस्टलैंड ने 3 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए हमको, और सब्सिक्वेंटली सेम ईयर में ये फ्रॉड भी डिटेक्ट कर लिया गया इटालियन गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब इटालियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि अगस्टा वेस्टलैंड ने ये डील हासिल करने के लिए क्रिश्चियन मिशेल को अपॉइंट किया है और उसको कुछ पैसे दिए हैं। जैसे ही ये हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स जो थी उसके अंदर हो हल्ला मच गया और उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी डील। डील कैंसिलेशन से क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या आया, कि हमारे जो 3 हेलीकॉप्टर्स आ गए थे, जो इंडिया में आ गए थे, ऑलरेडी डिलीवर हो गए थे, वो हमारे पास रह गए। उसके अलावा जो 9 हेलीकॉप्टर्स और थे, AW-101 चॉपर्स जो थे, 12 ऑर्डर किए थे हमने, वो कभी आए ही नहीं। और 2000 करोड़ की जो बैंक गारंटी थी वो भी एनकैश कर ली गई ऑगस्टा वेस्टलैंड के थ्रू, यानी कि हमारा 3600 करोड़ पूरा चला गया और हमें हाथ में कुछ भी नहीं मिला। ये जो 3 हेलीकॉप्टर्स आए थे वो भी बिल्कुल यूजलेस थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो 3 हेलीकॉप्टर्स हमें जो डिलीवर किए गए थे वो आज तक एक बार भी यूज़ नहीं किए गए हैं। अभी भी वो दिल्ली के अंदर जो कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर पड़े हुए हैं, और एक बार भी उनका यूज़ नहीं किया गया है। ओके, फिर 2017 में क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशेल को अरेस्ट कर दिया गया। ये अरेस्ट किसने किया, UAE गवर्नमेंट ने, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, एंड देन 2018 में एक्सट्रैडिशन हुआ, यानी कि मोदी जी ने उनको बोला कि हमें क्रिश्चियन मिशेल आप दे दीजिए इंडिया में, और 2018 में उनको इंडिया भी लाया गया। एंड देन 2019 में हम अब उस पर प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरीज बिठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि हमें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो आप आज के न्यूज़पेपर में, यानी कि आज, यानी कि 5th of April की न्यूज़पेपर वगैरह एंड टीवीज वगैरह में भी देख सकते हैं कि जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्ज शीट फाइल की है, जिसके अंदर उन्होंने एडिशनल एविडेंस, प्रूफ्स एक्सेट्रा अटैच किए हैं। उसके अंदर कुछ लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने ये ब्राइबरी में पार्टिसिपेट किया था। ओके,
ये था पूरा मोड ऑफ ऑपरेशन दैट हाउ दिस स्कैम टुक प्लेस. ओके, तो मैं एक बार आपको वापस से रिवीजन के तौर पे पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था. उससे पहले हम रिवीजन करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. ओके, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं. रिवीजन इन द सेंस एक ग्लिम्स बताऊंगा मैं आपको क्या हुआ पूरे मैटर में. ऑगस्टा वेस्टलैंड नाम की कंपनी थी जिन्होंने क्रिश्चियन मिशेल को अपॉइंट किया कि वो इंडियन पॉलिटिशियंस को और टॉप ऑफिशियल्स को ब्राइबरी दें जिससे कि वो अपनी डील का वैल्यूएशन घटा मतलब स्पेसिफिकेशंस कम कर दें और उन्हें वो डील मिल जाए. ये डील ऑगस्टा वेस्टलैंड को मिल भी गई. ओके, मिलने के बबाद उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर भी कर लिए, पूरा पैसा भी ले लिया और 3 हेलीकॉप्टर्स ऐसे दिए जो आज तक हमारे काम नहीं है. तो इससे इंडिया को लॉस क्या हुआ कि 3600 करोड़ तो चले गए, 3 हेलीकॉप्टर्स आज तक कुछ काम नहीं है और कुछ पॉलिटिशियंस के जेब में ब्राइबरी का पैसा चला गया जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ. तो आज के इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दें और इस वीडियो को सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.